हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय लेटेस्ट वीडियो। तो मेरी वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे चैनल में भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जीन्स टॉप तो सब पहनते हैं, जैसा कि मैंने भी जीन्स टॉप पहना है। और जीन्स टॉप पहनना इट्स नॉट अ बिग डील, अब तो गाँव में भी सब लोग जीन्स टॉप आराम से वियर करते हैं और करना भी चाहिए। कपड़ों के लेके पाबंदी कभी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी करनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने जीन्स टॉप पहन ली है, आप भी पहनते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ जीन्स टॉप के लिए एकदम फैंटास्टिक हेयर स्टाइल। यस, बहुत अच्छा होने वाला है, गर्मी के लिए, समर सीज़न के लिए बेस्ट होने वाला है। देख रहे हो कि मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो ऑफिस गोइंग हेयर स्टाइल से रिलेटेड आ रही है, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे एक भी ऑफिस गोइंग हेयर स्टाइल नहीं थे, तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ। और अब आज जो है मैं जीन्स टॉप का हेयर स्टाइल भी लेके आ रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी, इस वीडियो में सिर्फ एक हेयर स्टाइल है, अदरवाइज़ मैं हर वीडियो में 2 से 3 हेयर स्टाइल तो लेके आती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि इस बार मैं एक ही हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, बट मैं फोकस कर रही हूँ और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए बहुत सारे एक्सप्लोर करके बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल लेके आने वाली हूँ। अगर आपको मुझसे होल वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं कि मैं होल वीडियोज़ भी लेके आऊँ, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि वो उसमें बजट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, समर सीज़न के लिए बेस्ट है। ऑयली बाल हैं तो भी बेस्ट है, रफ बाल हैं तो भी बेस्ट है, घुंघराले बाल हैं तो भी बेस्ट है, मतलब हर तरह से ये हेयर स्टाइल जो बेस्ट 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 होने वाला है। तो इसी तरह आपको भी करना है। मैंने 3 लेयर में ट्विस्ट किया है, पहले मैंने छोटी लेयर ट्विस्ट की है, फिर मैंने बड़ी लेयर ट्विस्ट किया, फिर मैंने पूरे हाफ बालों को लेके वहाँ पे ट्विस्ट किया है। अब आप सोचोगे ट्विस्ट किया है तो कैसे अच्छा लग सकता है, बट वेट करो, वेट करने से सब कुछ अच्छा नज़र आता है और अच्छा ही दिखने को मिलता है, तो सब्र करो। अब मैंने पूरे हाफ बाल ले लिए हैं, आपको भी जस्ट यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप चाहें तो इन्हें प्लफ़ी कर सकते हैं, पर मुझे प्लफ़ी नहीं करना था क्योंकि मैंने वेस्टर्न पहना है और इसमें कुछ भी प्लफ़ी की नीड नहीं होनी चाहिए। एथनिक पहनती तो उसमें प्लफ़ी बाल जो हैं अच्छे लगते हैं, बट इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और जब हम ट्विस्ट वाले हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो ऑटोमेटिक ऑयली एंड रफ़ होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके ऑयली बाल हैं तो भी आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो ऊपर तो मैंने पहले पतली थिन रबड़ का यूज़ किया, उसके बाद मैंने एक मोटी रबड़ लिया ताकि खोलने में कोई दिक्कत ना आए और जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी प्लफी बने। तो अब हम यही कर रहे हैं, अभी तक हम आगे की साइड से कर रहे थे, हम पीछे वाला ट्विस्ट यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको भी ऐसा करना है। अगर आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हैं या हल्के हैं तो भी ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मेरे तो भारी है, पर ऑफकोर्स मेरे भी थोड़े से हल्के हो चुके हैं। इसके बाद मैंने पोनीटेल को एकदम टाइट कर दिया और ये देखो कितना प्लफी हेयर स्टाइल निकल के आया है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लिटरली मैंने फ़र्स्ट टाइम ये हेयर स्टाइल ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑफकोर्स आप कहीं भी जा रहे हो तो बेस्ट है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें।